अरे कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, हा तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घूमई बहु तोरा का कोलत के झरना गे। वाह क्या बात है। अभिनेता से नेता वाला सफर के बीच का कहानी क्या है? ये सब जनता का मांग है, नवादा लोकसभा की जनता का मांग है। अस्पताल की स्थिति देख लीजिएगा जाकर के, कितना जर्जर है। यहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जितना आबादी है 18 से 20 लाख आबादी है नवादा लोकसभा। चुनाव लड़ने जीतने के लिए लोग बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उसको पूरा नहीं करते हैं। हाँ, तो जो जितना हम कर पाएंगे उतना ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग तो वो है नहीं भैया, हम लोग तो दिलदार आदमी। नवादा का कोई भी समस्या हो तो अभी से लोग फोन करता है, भैया ट्रांसफार्मर खराब हो गए, तो ये हो गए वो हो गए, अभी ऐसे कितना जगह लगवा दिए। और बाकी चल रहा है, पवरवा आएगा तो सब कामे दना दन होगा। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ गुंजन सिंह है, ये वही गुंजन सिंह है जो गाने को लेकर, फिल्मों को लेकर, मगही गाने को लेकर हमेशा सुपर डुपर स्टार रहे हैं। अब जो है अभिनेता से नेता बन रहे हैं। अब इनका अभिनेता से नेता बनने वाला भी थोड़ा सा सफर जानेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे गुंजन सिंह का सबसे सुपर डुपर गाने के साथ एक शुरुआत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत भी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से देखे वाला तमाम जनता जनार्दन, भगवान स्वरूप दर्शक गण के हम गुंजन सिंह पैचों के प्रणाम करते गोर लगते। अच्छा, हम चाहते हैं कि आपका सबसे सुपर डुपर वाला गाना से स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को। बहुत गाना हिट है, 1200-1500 गाना गाए हैं। मतलब उसमें से आपका जो मन पसंदीदा हो, सबसे सुपर डुपर है उससे। अच्छा, देखो बगले में है ककोलत के झरना। अच्छा हाँ, अभी देखिए उसमें काम भी लग गया है। अरे कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, हा तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घूमई बहु तोरा का कोलत के झरना गे। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं सुपरस्टार गुंजन सिंह अभी हमारे साथ हैं। अभिनेता से नेता वाला सफर के बीच का कहानी क्या है? ये सब जनता का मांग है, नवादा लोकसभा की जनता का मांग है, और हम कोई काम उनके बिना आदेश के करवे नहीं किया आज तक। सब लोग कहा कि कोई गायक नहीं है मगह से, भैया सुनते थे थोड़ा बहुत, गांव गिराव में गाते थे, तो लोग कहे कि भैया ट्राई करिए ना, कोई इधर के क्षेत्रीय गायके ना है पूरा मगह के। तो हम ट्राई किए तो देखिए इतना बड़ा हो गया, सबका जो सपना था वो भी पूरा हो गया, पूरे देश में लोग प्यार करते हैं हमसे। फिर कोई कहा हीरो नहीं भैया फिल्मियों बनाइए। अच्छा। फिल्मियों बना दिए। अब सबका कहना है भैया कि लोकसभा भी जीत जाइए संसद भवन में, नवादा का आवाज़ नहीं उठ रहा है। यानी कि आपका जो जनता लोग है वो कह रहे थे कि नवादा का आवाज़ जो है संसद भवन में नहीं गुजरा। हाँ। इसलिए आप खड़ा होकर आवाज़ पहुँचाइए। क्या क्या आपको लगता है कि नवादा में कमियाँ हैं? बहुत सारी कमियाँ ही कमियाँ यहाँ पे। अस्पताल की स्थिति देख लीजिएगा जा करके, कितना जर्जर है। यहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जितना आबादी है 18 से 20 लाख आबादी है नवादा लोकसभा का। मार्केट का रोड एकदम ऐसा है, थोड़ा पानी पड़ता है तो पूरा भर जाता है, नदी बहता। शिक्षा में वही कमी है, कोई पार्क नहीं है, खेल के लिए कुछ नहीं है, संगीत के लिए कुछ नहीं है। हम लोग संगीत पे भी ध्यान देंगे, नए नए कलाकार जो है हमारे आसपास के, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कराएंगे, अभी से हम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो बहुत सारी है, ओवर ब्रिज देखिए बना है तो पूरा मार्केट ही चौपट हो गया। अच्छा। ऐसा बना कि दोनों तरफ से लोग मिलन ही नहीं हो रहा है लोगों का। अच्छा। मिलन के लिए 2-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा तब मिलन होगा। हाँ। मार्केट रहता है नीचे में, ऊपर पुल रहा तो अच्छा रहता है ना, कि मार्केट भी एगो उद्योग भी तो बढ़ता है। सब दुकान दौरी खत्म हो गया सबका, तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए था। तो हम लोग तो आगे जो बचा हुआ है, जो दिक्कत है अस्पताल का, शिक्षा का, बिल्कुल हर चीज करेंगे। अस्पताल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोग जो हैं पटना पहुंचते हैं और वहां भी गिना चुना अस्पताल है। पूरे बिहार से लोग कुछ भी सीरियस होता है तो पटना ही जाते हैं, अपने जो है जिला में इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसका तो बहुत जरूरत भी है। यहाँ पे कोई देखिए केंद्रीय विद्यालय नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, यही बगल में नालंदा में है। तो हम लोग को बहुत कुछ करना है, नवादा के लिए बहुत कुछ बाकी रह गया है। अच्छा, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि चुनाव लड़ने जीतने के लिए लोग बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उसको पूरा नहीं करते हैं। आपका एक इंटरव्यू में मैंने आप देखा कि आप कह रहे थे कि मैं जो बोलूंगा उसे मैं करूंगा। हाँ, तो जो जितना हम कर पाएंगे उतना ही बोलेंगे। हाँ।
क्योंकि हम लोग तो वो है नहीं भैया, हम लोग तो दिलदार आदमी हैं, शुरू से ही जो अंदर है वो बाहर है, कोई बनावटी बात करते नहीं है, और दिल से मेरा जुड़ाव है सभी जनता जनार्दन से भी, युवाओं से, चाहे कोई भी महिला लोग भी मुझे बहुत पसंद करती है, और बूढ़ बुजुर्ग लोग सब प्यार कर, युवा लोग तो जाने लगा दिया है मेरे खातिर। पूरा जैन सैलाब आपके साथ, एक बार चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, देखिएगा, बिन बता के आए हैं तब देखिए कितने लोगों का भीड़ हो गया, किसी को यहाँ बताएं तो नहीं कि आप आ रहे हैं इस यहाँ पे नहीं, अभी एक जगह जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने। हाँ, चाहे नवादा का कोई भी समस्या हो तो अभी से लोग फोन करता है, भैया ट्रांसफार्मर खराब हो गए, तो ये हो गए वो हो गए, अभी ऐसे कितना जगह लगवा दिए, और बाकी चल रहा है, पवरवा आएगा तो सब काम धना धन होगा, यानी कि पावर का इंतजार है, और नवादा में जो है विकास धना धन होने वाला है, क्योंकि गुंजन सिंह कह रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं जितना करूंगा उतना ही बोलूंगा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं नवादा के लोगों के लिए? सब आशीर्वाद बनाए रखे, और इस बार नवादा के बेटा आपका भाई गुंजन सिंह आया ही है, इस बार जो चुनाव होगा सिंबल तो रहवे करेगा, लेकिन एगो सिंबल इधर रहेगा। अच्छा, हाँ, सबका आशीर्वाद है। पार्टी को लेकर क्या कुछ है, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? अभी तो देखिए बस कुछ समय बाकी है चुनाव में अभी, हाँ। तो जैसे ही समय आएगा उससे पहले ही हो जाएगा समय। तो चलिए, अभी हमारे साथ सुपरस्टार गुंजन सिंह थे, और इनसे मैंने बात रखा, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको लेकर भी बताया क्या कुछ करने वाले हैं नवादा में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय